गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑफ क्लास टू, आई एम ज्योति मैम। आज मैं आप लोग को सेकेंड चैप्टर से रिवीजन करवा रही हूँ। कल स्टार्ट की थी से उसी से आज करवाएंगे। ओके, तो टी कॉफी एंड शुगर, ये टी कॉफी और शुगर कैसे बनते हैं। वी मेक टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट्स। टी किससे बनता है? टी प्लांट्स के लीव्स से टी बनता है। ओके, कॉफी इज मेड फ्रॉम कॉफी बीन्स। कॉफी जो पीते हैं हम लोग वो किससे बनता है? कॉफी बीन्स यानी कॉफी सीड्स से कॉफी बनाया जाता है। शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन जूस। और शुगर जो हम लोग खाते हैं वो किससे बनता है? शुगर केन के जूस निकाल के फिर उसको शुगर बनाया जाता है। अब स्पाइसेज फ्रॉम प्लांट्स। स्पाइसेज मीन्स क्या होता है? मसाला। प्लांट्स से जो मसाला हम लोग को मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वी ऑल्सो गेट स्पाइसेज सच एज टर्मरिक चिली एंड पीपर फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग जो स्पाइसेज मिलता है हम लोग को, जैसे कुछ टर्मरिक है, चिली है, पीपर है, ये सभी प्लांट्स से मिलते हैं। स्पाइसेज आर एडेड टू फ्रूट टू गिव इट टेस्ट कलर एंड फ्लेवर। ये मसाला हम लोग सब्जी में क्यों डालते हैं? क्योंकि वो मसाला से टेस्ट आता है, कलर आता है, सब्जी में कलर आता है और फ्लेवर सुगंध भी आता है। ठीक है, तो मसाला हम लोग क्यों डालते हैं? टेस्ट के लिए, कलर के लिए और फ्लेवर के लिए। अब ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से जो ऑयल मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे। वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज मस्टर्ड, ग्रेनट एंड सनफ्लावर। हम लोग को जो ऑयल मिलता है वो किससे मिलता है? किसके प्लांट्स से मिलता है? मस्टर्ड। मस्टर्ड मीन्स क्या होता है? सरसों। तो मस्टर्ड, ग्रेनट, सनफ्लावर, इनके पेस जो सीड्स निकाले जाते हैं उससे ऑयल बनता है। और ऑयल इज यूज टू कुकिंग एंड फॉर मेकिंग सोप एंड शैम्पू। ऑयल का यूज क्या चीज के लिए किया जाता है? कुकिंग, खाना बनाने के लिए, और मेकिंग सोप। सोप जो साबुन हम लोग जो लगाते हैं वो किससे बनता है? ऑयल से बनाया जाता है। और शैम्पू, शैम्पू भी इससे बनाया जाता है। ओके, अब मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स सच एज नीम, टर्मरिक एंड तुलसी आर मेडिसिनल प्लांट्स। प्लांट्स जैसे कि नीम का प्लांट्स होता है, टर्मरिक का प्लांट्स होता है, तुलसी होता है, ये सभी प्लांट्स क्या है? मेडिसिनल प्लांट्स है, इससे दवा बनाया जाता है। मेनी मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड एज होम रिमेड्स फॉर कॉमन कोल्ड एंड कफ। ये प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स जो है हम लोग घर में भी इससे दवा बनाते। तुलसी से जैसे बच्चे को सर्दी खांसी हो जाती है तो क्या करते हैं हम लोग? तुलसी का उसको रस निकाल के फिर हनी मिला के बच्चे को देते हैं तो उससे क्या होता है? सर्दी ठीक होता है। फिर उसका काढ़ा बना के वो हम लोग बच्चे लोग को पिलाते हैं। तो ये क्या हुआ? तुलसी और नीम से मेडिसिनल प्लांट्स है। ओके, अब फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स सच एज कॉटन एंड जूस, जूट गिव अस फाइबर्स। प्लांट्स जैसे कि कॉटन और जूट का प्लांट जो है उससे फाइबर निकलता है। फाइबर आर फाइन थ्रेड्स दैट आर यूज टू मेक क्लॉथ। ये फाइबर एक धागे की तरह होता है, पतला सा धागा की तरह ये फाइबर्स होता है जिसका यूज क्लॉथ्स बनाने के लिए किया जाता है। वी मेक क्लॉथ्स, बैग, रोप्स एंड मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम कॉटन एंड जूट फाइबर्स। हम लोग जो बनाते हैं कपड़ा, बैग, रोप्स मीन रस्सी और बहुत सारे अलग सामान भी होते हैं जो कॉटन एंड जूट के फाइबर से बनाए जाते हैं। जैसे पिक्चर में आप यहाँ देख रहे हैं ये क्लॉथ्स है। ओके, और ये बैग है, ये डोरमेट है, ये थैला, ये सब तो किससे बनाया जाता है? फाइबर से बनाया जाता है। वुड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से जो लकड़ी मिलते हैं उसके बारे में आप जानेंगे। द वुड ऑफ सम प्लांट्स इज यूज टू मेक चेयर, टेबल्स, पेंसिल, टॉय, डोर्स एंड बेंचेज। ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिससे
जिसके लकड़ी से हम लोग ये सभी सामान बनाते हैं, जैसे चेयर हुआ, यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में टेबल होता है, पेंसिल होता है, टॉयज खिलौने होते हैं, डोर्स दरवाजा खिड़की, ये सभी खिड़की हुए, दरवाजा हुआ, बेंचेज होते हैं। तो ये सभी किससे बनते हैं? वुड से बनते हैं। तो ये वुड कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। ओके, अब हम आगे आप लोग को कल बताएंगे। बाय।